स्टूडेंट वेलकम योर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द जॉइंट ऑफ -1 एंड 7 एंड 4 एंड -3 इन रेशियो 2:3। यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे हुए हैं -1 और 7। यानी ये x1 की वैल्यू हो जाएगी और y1 की वैल्यू हो जाएगी। यानी a हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, a पॉइंट मान लेते हैं -1 और 7 और b जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 एंड -3 को किस रेशो में बांट दें, 2:3 में बांट दें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका सेक्शन का फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द सेक्शन या गिवन जो निर्देशांक है वो क्या मान लेंगे, x एंड y। यानी उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए हम आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे नोट किए देता हूं। तो देखिए क्या होगा, x का अलग फॉर्मूला बनेगा और y का अलग बनेगा। तो x का क्या बना देते हैं, x का होता है स्टूडेंट्स m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये तो है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या यूज करते हैं, बस x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1 यूज कर लेते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब बात आती है कि m1 m2 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में जो सबसे पहले जो a पॉइंट्स जो मान लेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, दूसरे को मान लेंगे x2 y2 और ये जो रेशो में जो बांट रहे हैं इसे क्या मान लेंगे, m1 एंड m2 की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया यानी कि 2 एंड 3 क्या है, m1 m2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, m1। तो m1 की वैल्यू क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अब क्या चाहिए, x2। तो x2 क्या है आपके पास, x2 है 4। फिर क्या है, प्लस लगा दीजिए m2 की वैल्यू। m2 की वैल्यू क्या है, m2 है आपका 3। तो 3 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू क्या है बेटा, x1 की वैल्यू है 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 2 प्लस 3 हो गया। अब एक बार इन कोऑर्डिनेट्स को हम जरा चेक कर लेते हैं, एक सेकंड जरा ध्यान दीजिए। आपके क्या था, x1 की वैल्यू, हमने यहां पर 2 यानी m1 की वैल्यू रखी है, ये x1 की वैल्यू क्या है, -1 है। तो इसे जरा सही कर लेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अब आप यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 4 8 प्लस 3 -1 करोगे, 3 × -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 upon 5। 2 प्लस 3 यानी m1 plus m2 क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 8 में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3 कर देंगे अपॉन 5। 8 - 3 upon 5, 8 - 3 इसका टू क्या हो जाएगा, 5 और अपॉन में 5। अगर मैं यहां से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, 1। यानी कि x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। अब सेम बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेम फॉर्मूला होगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा यहां पर, बस हमें y2 करना है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब y के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, m1, तो m1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू क्या चाहिए, y2। क्या चाहिए y के लिए, y2। तो y2 की वैल्यू क्या है, -3। तो यहां से पुट कर देता हूं, -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, 7। या आप यहां से भी देख सकते हैं y1 की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहां से देखिए 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 यानी -6, क्योंकि यहां पर जो y2 की वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो -6 + 3 × 7 = 21 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 = 5। अब अगर मैं
21 में से 6 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 15 अपॉन 5, 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या 3, क्या मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से आपके M1 और M2 यानी उस बिंदु के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे कौन से, जो कि इसे इन दोनों बिंदुओं को 2:3 पर विभाजित कर रहे थे। उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट आया आपका 1 और y की वैल्यू क्या है 3, यानी 1 और 3 एक और 3 उनके निर्देशांक हैं जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। प्लेलिस्ट आपको 7.1 की भी पूरी आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, एक एक करके आपको सारे सम्स मिलेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।